अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जोनस साक ने साल 1955 में पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। तब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या वो इस वैक्सीन का पेटेंट करवाएंगे। तब डॉक्टर साक ने हंसते हुए कहा था कि क्या सूरज का पेटेंट करवाया जा सकता है। नमस्कार, मेरे यानी विष्णु कुमावत के साथ द विंडो के स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी में आज बात होगी जोनस साक पर। उन्नीसवीं सदी आधी बीतने वाली थी। कहा जाता है कि उस वक्त अमेरिका ने एक नहीं दो युद्ध लड़े थे, वर्ल्ड वार टू और दूसरा पोलियो। दूसरा वर्ल्ड वार तो अपने चरम पर था ही, उस पर तो अमेरिका ने जीत हासिल कर ली ही थी, लेकिन पोलियो से वो बहुत बुरी तरह हार रहा था। साल 1900 तक पोलियो काफ़ी शांत रहा, मगर इसके बाद यूरोप में इस महामारी ने रफ्तार पकड़ी, जो सन 1910 तक आम बात हो गई। इसी समय एक उपकरण वेंटिलेटर बनाया गया, जिससे कृत्रिम रूप से सांस लेने में सहायता हो सके, लेकिन ये कोई पोलियो का पक्का इलाज नहीं था। अमेरिका में सन 1940 और 1950 के दशक में पोलियो अपने चरम पर था। डॉक्टर वैज्ञानिक फार्मा के लोग पोलियो की वैक्सीन खोजने में लगे थे। वहीं सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क का एक 20 बरस का लड़का अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में अपने वकील बनने का ख्वाब लिए बैठा था, लेकिन माँ चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। अनपढ़ पिता डेनियल और माँ डोरा साक के ख़ानदान में अब तक कॉलेज से पढ़ाई करने कोई नहीं गया था। वो चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे कामयाब हो। माँ के कहने पर लड़के ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छे अंकों से पास हुआ, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुना। वह लड़का चाहता था कि अस्पताल में बैठकर एक एक मरीज को ठीक करने के बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि पूरी दुनिया के मरीजों को एक साथ मदद मिल सके। वो लड़का था जोनस साक। साल 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, इसके बाद साल 1947 में जोनस ने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में नौकरी शुरू की और वहीं अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। उस समय तक वैज्ञानिक पोलियो के केवल तीन ही प्रकार के वायरस से वाकिफ थे, हेरी वीवर। नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फर्टाइल पैरालिसिस के निर्देशक चाहते थे कि जोनस साक यह जानने की कोशिश करे कि पोलियो के अन्य प्रकार के वायरस भी मौजूद हैं। इस काम के लिए जोनस को उपकरण और पैसा उपलब्ध करवाया गया। बाद में जोनस साक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा चलाए गए पोलियो प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। पोलियो की वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया गया। 2 जुलाई 1952 को जानवरों पर सफल प्रयोग के बाद 43 बच्चों को यह वैक्सीन दी गई। एक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए साल 1954 में साक ने 10 लाख बच्चों पर अपनी वैक्सीन का टेस्ट किया। इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेक्टाइल पैरालिसिस ने खुद को कर्ज में डुबो लिया था, लेकिन जोनस साक के प्रयोगों को बंद नहीं होने दिया गया। मेहनत रंग लाई। 12 अप्रैल 1955 को यह घोषणा की गई कि जोनस साक की ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित और कारगर है। इसे केवल 2 बरस के अंदर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा। सफल वैक्सीन बनते ही जोनस पोलियो पायनियर बन गए। उनसे हर कोई मिलना चाहता था। उन्होंने करोड़ों बच्चों को अपंग होने और मरने से बचाया था। इसके बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में हलचलें बढ़ गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि पोलियो की ये वैक्सीन नहीं, ये पैसा छापने की मशीन है। जिस किसी के पास भी इस वैक्सीन का पेटेंट होगा, वह मिनटों में अरबपति बन सकता है। एक दिन जब पत्रकार ने टेलीविज़न पर जोनस साक से पूछा कि इस वैक्सीन का पेटेंट किस नाम से है, जोनस साक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा जवाब है जनता के पास, इसका कोई पेटेंट नहीं है। क्या सूरज को भी कोई पेटेंट करवा सकता है? 30 जून 1995 को कैलिफोर्निया के लाजोला में 80 बरस का वो सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। वो कहा करते थे, होप लाइज इन ड्रीम्स, इन इमेजिनेशन, इन द करेज ऑफ दोज हु डेयर टू मेक ड्रीम्स इन टू रियालिटी। द विंडो आपके जज्बे को सलाम करता है। धन्यवाद।